मंडी जिला के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर शोलापुर से लेकर मंडी तक तोरण द्वार लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर ढोल नगाड़े कर अपने नेता का स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने संगठनात्मक जिला सुंदरनगर व मंडी के कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठकें कर कार्यकर्ताओं से 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए फीडबैक ली। साथ ही उन्होंने 2019 के चुनावों में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। राठौर ने पहले सुंदरनगर संगठनात्मक जिला की नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हटेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में आयोजित बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की, साथ ही 2019 के चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि उन्हें पार्टी हाईकमान की ओर से प्रदेश कांग्रेस की बागडोर ऐसे समय में मिली है जब लोकसभा चुनाव सिर पर है। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी वे तभी निभा पाएंगे जब आप सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग और आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की बात भी कही और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। राठौर ने पिछले दिनों पार्टी के नेताओं द्वारा वीडियो में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भविष्य में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यकर्ता को किसी भी नेता या पार्टी संगठन को लेकर कोई शिकायत है तो कार्यकर्ता अपनी बंद कमरे में आवाज रख सकता है, वे उसका समाधान अवश्य करेंगे, मगर जो कार्यकर्ता संगठन की बात को मीडिया में लेकर जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब पार्टी विपक्ष में होती है, मैंने तो NSA से लेकर युवा कांग्रेस पार्टी में इतने साल काम किया तो मैं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करता रहा, लेकिन जब सरकार बनती है तो मैं और कार्यकर्ताओं की तरह जो जब लड़ाई की बात आती है सबसे आगे रहते हैं। जब सरकार बनती है तो मलाई खाने के लिए और होते हैं और हमारे कार्यकर्ता सबसे पीछे खड़े होते हैं। मैं भी उस पक्ष का व्यक्ति हूं और कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है मुझसे ज्यादा कोई नहीं है। मैं हर कार्यकर्ता के दर्द को समझता हूं, इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं। मेरे पास समय बहुत कम है, हालांकि पार्टी अध्यक्ष बनाने की सहमति लगभग सभी नेताओं की थी, श्री वीरभद्र सिंह जी, श्री अनंत शर्मा जी, ठाकुर कौल सिंह जी, श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, जितने भी पार्टी के नेता थे वो सब मेरे साथ थे। आज इन नेताओं के आशीर्वाद से मैं प्रदेश में एक अभियान लेके चला हूं, जिसने लोगों से झूठे वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। आज देश का नौजवान, देश का किसान, छोटे उद्योगपति, छोटे दुकानदार, सबके साथ उन्होंने झूठ बोलकर ठगने का प्रयास किया। आज देश की अर्थव्यवस्था, चाहे GST या नोटबंदी जैसी उन्होंने निर्णय लिए हो, देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया। रक्षा घोटाले हुए, राफेल का मुद्दा आपके सामने, मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि आज कुलदीप राठौर नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष बना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का क्या दर्द है ये वे भलीभांति जानते हैं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने झूठ बोल सत्ता हासिल की है, आज देश की हालत बहुत ही खराब है, देश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और दर दर भटकने पर विवश है। राफेल घोटाले सहित कई घोटाले ऐसे हैं जिनकी वजह से देश कलंकित हुआ है। मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आए दिन भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने घर को देखें, कांग्रेस के बारे में सोचना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को ज्वालामुखी की घटना याद कर लेनी चाहिए, जहां भाजपा के नेताओं का क्या हश्र हुआ था। कि वो ज्वालामुखी की घटना याद करें,
एक संस्कृति और शालीनता की बात करने वाला संगठन क्या हुआ ज्वालामुखी में? नेताओं पे थूका गया, कीचड़ फेंका गया और प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं मोदी साहब, उस वक्त हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के मामलों के प्रभारी थे, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ? धक्का मुक्की हुई तो क्या उस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता वो हेलमेट पहन के घूमते रहे? बार बार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं श्री जयराम जी को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में क्या करना ये हमारा काम है। हम अपने परिवार को, अपने घर को खुद संभालेंगे, वो अपनी सरकार की चिंता करें जो हर मोर्चे पे नाकाम सिद्ध हो रही है। खुद मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे, निर्णय वो होता है जो नागपुर से आदेश होते हैं, उनके दफ्तर में जो लोग बैठे हैं उनकी नियुक्ति जयराम जी ने नहीं की, वो आरएसएस के इशारे पे हुई। आज भारतीय जनता पार्टी जो और सरकार में आरएसएस बनाम नॉन आरएसएस का जो है एक युद्ध चल रहा है। हमारे भी दोस्त हैं जो राष्ट्रीय छात्र संगठन में जब हम थे विश्वविद्यालय में हम इकट्ठे थे, एक वर्टिकल स्प्लिट है नीचे का। अगर सरकार में कोई काम कराना है, कोई नियुक्ति पानी है, तो पहले ये पूछा जाएगा, ये तस्दीक किया जाएगा क्या उसने कोई शाखा लगाई है। एक बहुत बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी में एक विघटन की स्थिति है। जो लोग नॉन आरएसएस के हैं उनकी अनदेखी हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं अभी श्रीमती प्रियंका गांधी जी महासचिव नियुक्त हुई हैं। बहुत अरसे से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी देश भर में मांग थी कि प्रियंका गांधी जी को राजनीति में आना चाहिए, तो सही समय पे आई और आप देखेंगे कि देश की हवाएं और फिजाएं बदल गई। आज उनके आने से सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो रही है, रोड बयानबाजी हो रही है। कौन संगठन में महासचिव बनता है, किसको आना, ये हमारा हमारा आपसी मामला है। भारतीय जनता पार्टी में किसकी नियुक्ति होती है, वो किसको बनाते हैं, ये उनका मामला है। तो इसलिए हो रहा है कि उन्हें यह लग रहा है कि प्रियंका गांधी जी के बाद उनकी स्थिति खराब होने वाली है। श्री जयराम घोषणाएं तो बहुत करते रहे लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर देखें कहीं कोई काम नहीं हुआ। कहते हैं कि केंद्र से इतना पैसा लाया, कहां गया वो पैसा? आज प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बहुत बुरे हाल है। आए दिनों हत्याएं, बलात्कार, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही है और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा चिंता का विषय हमारे सामने वो है युवाओं में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। आज प्रदेश का जो युवा है वो नशे का शिकार हो रहा है। शिमला में अभी दो युवा ज्यादा नशा लेने के कारण उनकी मृत्यु हुई और ये सरकार नशे का कारोबार रोकने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई। काम वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय के थे, हमारी सरकार के समय में के थे। आज उद्घाटन करके उद्घाटन पट्टिकाओं में अपना नाम दर्ज करके अपना महिमा मंडन करने का प्रयास हो रहा। हमारे बहुत मुद्दे हैं आज देश में, जो सत्ता विरोधी रुझान है वो मोदी के खिलाफ है, प्रदेश में जो सत्ता विरोधी रुझान है वो जयराम सरकार के खिलाफ है और जो आपका सांसद है तो बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हमको चुनाव में जाना है।